भाई आज जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, लोकल आगे जाएगी नहीं। और अच्छा हुआ कि मेरे को जहाँ ड्यूटी जाना है वहीं लोकल पास में ही खड़ी है, तो मैं भी उतर के पैदल पैदल जा रहा हूँ। ये देखो लोग पैदल उतर उतर के जा रहे हैं और पानी भर चुका है। जिस हिसाब से भयंकर बारिश हो रही है, अगर एक दो घंटे और हुई ना तो और भी ज़्यादा पानी भर जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ नाला और है, गड्ढे में कहीं पैर टिका तो नहा लेंगे यहीं पर। अगर ये बारिश पूरा दिन चलती रही तो आज 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, कम से कम 16 घंटे या 24 घंटे ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रिलीवर रहते हैं वो कल्याण और पनवेल रहते हैं, और लोकल अगर बंद हो गई तो वो मुश्किल ही आ पाए। हम तो आ गए, पहुंच गए हैं। जिनको CST जाना है या कहीं और जाना है, दादर जाना है ड्यूटी पे, वो लोग तो अभी भी लोकल में फंसे हुए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक लोकल ये आगे खड़ी हुई है और एक उधर खड़ी हुई स्टेशन के ऊपर, बैक टू बैक लोकल खड़ी हुई है, और जितने भी रिलीवर रहते हैं वो सब इसी लोकल में थे। यहाँ थोड़ी ऊंचाई है तो पानी कम है थोड़ा। चलो, अगर मैं लोकल में बैठा रहता ना और नहीं आता तो 1 घंटे भी अगर मैं बैठा रहता तो पानी जो है घुटने से ही ऊपर चला जाता, उसके बाद जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। यहाँ पर पानी देखो बिल्कुल नहीं है, वो उधर क्या है कि थोड़ी ढलान है, इस वजह से वो लोकल आगे जा नहीं सकती। ये नहीं जाएगी तब तक वो भी नहीं जाएगी पीछे वाली। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच तो गए हैं, अच्छा है, लेकिन नाइट वाला भी अब जाएगा कैसे, ये भी समस्या है क्योंकि लोकल तो बंद है। खैर, काम से तो फुर्सत मिलेगी उसको, जाने का कोई सीन नहीं है। तो बारिश चलती रही दिन भर तो फंसे रहेंगे, और अगर लोकल चालू हो जाती है तो 8 घंटे बाद घर चले जाएंगे। यहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो गया है। ठीक है, सोचा था ऊपर कर लेता हूँ लेकिन पानी ज़्यादा भरा हुआ है, पूरा भीग गए हैं। अभी जिसको रिलीव करना है वो शंटिंग कर रहा है और उस एंड में है, वहाँ मैं जा नहीं सकता। वो आएगा, जब भी आएगा 10 मिनट 15 मिनट के बाद लोगों का चार्ज लेते हैं और देखते हैं दिन का क्या प्रोग्राम रहता है। लेकिन आज फंसने वाले हैं भाई, जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना भाई, भयंकर बारिश हो रही है। जैसी जब भी ऐसी बारिश होती है ना तो पंगे होते हैं, लोकल बंद तो सब बंद, जो है वहीं रहो। पनवेल में उतनी बारिश थी नहीं, मतलब मैं छाता ही लेके नहीं आया था, बारिश बंद थी और उतनी ज़्यादा रात में बारिश थी नहीं। तो मैं जब निकला तो रिलीवर का फोन आया था कि भाई गाड़ियाँ चल रही हैं क्या, मैंने कहा हाँ गाड़ियाँ तो चल रही हैं। जैसे ही मैं वासी पहुँचा तो मुझे पता लगा कि वो क्यों पूछ रहा था, वासी से इतनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई थी। मेरे साथ वाले कुछ लोग डर गए, बोलते हैं कि नहीं हम पानी में नहीं जाएंगे, कहीं गड्ढा हुआ बह जाएंगे। अब भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो बंदा रात से ड्यूटी कर रहा है वो डबल करेगा और आप वहाँ लोकल में बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। मैं तो आ गया और टाइम से आ गया, अगर थोड़ा और लेट करता ना मैं वहाँ से आने में तो यूँ मानिए पानी ज़्यादा भरता और ज़्यादा तकलीफ होती। बारिश वाले जूते पहनने का यही लफड़ा है, थोड़ा सा पानी में चले नहीं तो पैर छिल जाते हैं। अब ये परेशान करेगा पूरे दिन। भाई पानी भर गया है, जो लोगों को आगे लिया ना वो वहीं खड़ा रहेगा, जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक उसको लाएंगे नहीं, और जिसको रिलीव करना है वो उसी लोगों में है, तो मुझे चल के आगे जाना पड़ेगा धीरे धीरे। बड़ी परेशानी हो गई, चलते हैं। अरे दीदी, अब यहाँ पर तो मुझे आइडिया भी नहीं कि कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है, चलना पड़ेगा। लेकिन गिर गया भाई,
पूरा ही भीग गया, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं लग रहा कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। लगा है, पक्का लगा है, मेरे को लगता है अभी ये दोबारा नहीं गिरना। धीरे धीरे चलो भाई, लग भी गई, ये देखो भयंकर ही लगी है यार, क्योंकि इतनी भी लगी होगी पक्की, ये यहाँ लगी है, दर्द होएगा भाई। अभी क्या कैसे गिरा, ये जो स्लीपर है ना, ये यहाँ गड्ढा था दो स्लीपर के बीच में, और यहाँ गड्ढा था पूरा, पैर टिका ऐसे और ऐसे गया, तो उसकी वजह स्लीपर का जो कोना है ना, तो गिरने की वजह स्लीपर का कोना लगा, छिल गया यार। उधर का मंजर देखो, वहाँ तो सारा पानी भरा हुआ पूरा, वो खड़ा है हमारा लोको, दोनों गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं, एक रैक एम्प्टी रैक खड़ा है और एक लोको खड़ा है, और उधर पूरा पानी भरने की वजह से उस साइड तो ट्रैक ही नहीं दिख रहा, तो ट्रैक नहीं दिखेगा तो लेंगे नहीं तब तक, तो बारिश हो ही जा रही है। आज की ड्यूटी फिनिश, बारिश तो सुबह 9 बजे ही बंद हो गई थी, लेकिन आज एलटीटी में पूरा काम ठप पड़ा था, 6 से 7 घंटे कोई काम नहीं हुआ एलटीटी में, क्योंकि बारिश की वजह से पानी भर गया था और पानी को निकलने में 6 से 7 घंटे लग गए। जैसे जैसे धीरे धीरे पानी निकला, ट्रैक के नीचे आया, उसके बाद काम शुरू हुआ। यहाँ से पहली गाड़ी 1:30 बजे निकली थी, गाड़ी का टाइम सुबह 8 बजे का आसपास था, गोरखपुर थी, मैं आया था तब वो रेडी थी निकलने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से नहीं निकल पाई, वो गाड़ी 1:30 बजे निकली, काफ़ी लेट, पहली गाड़ी वही निकली। मैंने जिस लोगों का चार्ज लिया था अभी डिलीवर आया, तो उसको उसी का चार्ज वापस दिया है, क्योंकि काम तो था नहीं कोई, 6-7 घंटे मतलब 8 घंटे बैठे ही रही, कोई काम नहीं था, उसी लोगों में बैठे रहे, उसी का चार्ज लिया और उसी को वापस हैंड ओवर कर दिया है। वो लोग को जाने वाला था नेत्रावती पे, जिसका एलटीटी से निकलने का टाइम 11:30 बजे का है, लेकिन अभी वो रीशेड्यूल हुई है, तो शाम तक वो निकलेगी, तो उसी को देख के आए हैं। बैठे थे बैठे बैठे, टाइम पास भी नहीं हो रहा था, काम नहीं था, ज़्यादा तकलीफ तो यही कर रहा है, बारिश की जूते की वजह से कटने की वजह से है ना, ये चलने भी नहीं दे रहा। होने की वजह से ना स्टेशन का हाल बुरा हो रखा है, पैसेंजर इतने इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से गाड़ियाँ बन के चलती हैं, और लगभग सारी गाड़ियाँ नहीं निकलने के कारण सभी गाड़ियों के पैसेंजर जो हैं बुरा हाल हो रखा है यार, एकदम फुल भरा हुआ है, बाहर क्या स्टेशन प्लेटफॉर्म पे क्या, अंदर वेटिंग रूम में क्या, बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है यहाँ। बारिश चलती रहती, पानी भरा हुआ रहता तो लोकल सस्पेंडेड रहती, लोकल चलती नहीं, लोकल नहीं चलती तो रिलीवर नहीं आ पाते, तो मजबूरन जो है हमको ड्यूटी करनी पड़ती, डबल ड्यूटी करनी पड़ती। पिछले साल जब मैं यहाँ काम करता था 2019 में, नेरल से आउटस्टेशन काम किया है मैंने, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी, और ऐसे ही बारिश हुई थी और मैं ऐसे ही फंसा था एलटीटी यार्ड में फंसा था, तो इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार क्या है कि बारिश रुकने की वजह से रिलीवर आ गए, लोकल चल रही है तो घर पहुंच जाएंगे। वैसे आज डबल ड्यूटी करने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसके कारण है एक तो सुबह सुबह गिर गया था, लग गई, ऊपर से बारिश वाले जूते पहन के आया हूँ, इसकी वजह से पैर की जो चमड़ी है वो कट गई है, तो चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि देखता हूँ कोई मेडिकल होगा तो बैंडेज लूँगा तो लगा के जाएंगे, वरना बहुत टाइम लगने वाला पहुंचने में, आज बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, पैर भी टेढ़े कर करके चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि वो रगड़ने लगे, ये देखो। और दूसरा कारण ये था कि वहाँ से जब मैं सुबह उतर के आया था लोकल से, तो आधा तो वैसे ही भीग गया था, और जब मैंने लोको चेक किया तो उस टाइम पे पूरा भीग गया, शर्ट भी पूरी गीली हो गई, पैंट भी पूरी गीली हो गई, गिरने की वजह से पैंट तो पूरी गीली हो गई थी, और शर्ट बची कुची थी वो शर्ट भी गीली हो गई। तो जब आदमी गीला रहता है तो बैठना तो दूर बैठना हो, काम करना हो, बड़ी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो उससे थोड़ा मूड ख़राब हो गया। जब मैं पिछली बार फंसा था ना यहाँ पर बारिश में, तो बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मैं
शाम को डबल कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे मॉर्निंग तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी कि 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा रिलीवर जैसे तैसे रात को 11 बजे पहुंच ही गया और लोकल बंद थी। उसके बाद भी वो टैक्सी से जैसे भी आया लेकिन पहुंच गया। और बारिश बहुत भयानक हुई थी उस 2019 में, पानी भयंकर भर गया था, तो लोकल वो 24 घंटे के लिए बंद रही थी। तो जैसे ही वो आया तो मेरे को चार्ज देना पड़ा। फिर मैं लोकल स्टेशन पे पहुंचा तो सुबह 4 बजे पहली लोकल निकली, उसी से आया। तो 24 घंटे हो ही गए थे पहुंचते पहुंचते। मेडिकल तो है नहीं यहाँ आसपास, चलना पड़ेगा पनवेली, वहीं से लेनी पड़ेगी। बड़ी बुरी हालत हो रखी है यार बारिश में। मैं आज के बाद पहन के ही नहीं आऊँगा, बारिश वाले जूते कभी नहीं पहनूँगा। ये नाटक ही है इसका, या तो जुराब पहनो। नॉर्मल जूते भीग जाते हैं लेकिन आपको तकलीफ नहीं देते। देखते हैं क्या है। अरे यार तो पूरा लाल हो रखा है, ऐसे लगा जैसे ब्लेड से किसी ने चीरे मारे हो। अच्छा आज यार बहुत गड़बड़ हो गई है, लग गई यार पर। ये देख भाई, कुर्ला में लोकल चल रही है तब तक सब ठीक है, लोकल बंद हुई सब गड़बड़ हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। भाई धीरे चल, मेरे से चला नहीं जा रहा। भाई बैंडेज दे दे। देना ज्यादा 7-8 दे देना। कितनी है? 2.5। तो अभी पहुंचने वाले हैं घर। कल रेस्ट हो सकता है मेरा, अगर कल रेस्ट रहा तो शायद कहीं घूमने जा सकते हैं। 50-50 है क्योंकि अगर ये पैरों का दर्द कुछ, अबे यार धीरे नहीं चला सकते ये लोग, गाड़ी पूरा भिगो दिया, मुश्किल से तो सूखे थे। प्लीज कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यार कितने का है? 10 रुपये का। बड़ा महंगा बेच रहा है वे। हम 5 रुपये में लाते हैं भाई। अच्छा 5 में लाते हो 10 में बेचते हो। तेरे पास छाता नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? लेने का, इसलिए तो जमा कर रहा हूँ। छाता लेने का है? अभी बोल रहा था खाना खाना है। ले छाता भी ले लेगी, खाना तो कभी भी खा लेगी। ऐसा क्या, बीमार हो जाएगा वे। ले अभी लड़का मिला, बारिश में भीग रहा है, बोल रहा है भैया खाना खाना है पैन ले लो। मैं कह, तेरे पास छाता नहीं है क्या? बोलता है नहीं छाता लेना है मुझे। चल भाई बारिश में भीग के तो इतनी मेहनत कर रहा है, पेन तो लेना ही पड़ेगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं फिनिश, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।